fixed cost. दिया हुआ 50,000, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 5 पर यूनिट, सेल्स आपको दिया हुआ है 10 पर यूनिट। हमेशा याद रखेंगे जो ऑनर्स और पास में ये इस चैप्टर से जितने भी सम्स आए हैं उसके नीचे 5-6 एडजस्टमेंट है। एक चीज नहीं मांगता है, ये नहीं खाली बीईपी मांगेगा, बहुत कुछ मांगता है। जैसे इसमें देखिए मैंने शुरू किया है कैलकुलेट फर्स्ट बीईपी, पहला आपसे क्या मांग रहा है बीईपी, सेकेंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ सेल्स व्हेन बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इज 8,000 यूनिट्स। अगर 8,000 यूनिट होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट, तो सेल्स का वैल्यू क्या होगा। सी, अभी तक आप बीईपी निकाल रहे थे ब्रेक इवन पॉइंट, बट अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है। व्हाट इज बीईपी when sales per unit reduced by टेन परसेंट। बताइए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या निकालना है आपको बीपी, फॉर्मूला में जाइए, क्या निकालना पड़ेगा पहले कंट्रीब्यूशन, क्या फॉर्मूला लगाएंगे एस माइनस वी। देखिए आपको वी दिया हुआ है 5 रुपीज और सेल्स दिया हुआ है 10, कितना हो गया 5। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए यूनिट वाला लगेगा, देखिए फॉर्मूला फिक्स्ड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कितना दिया हुआ है 50,000 डिवाइडेड बाय, देखिए 10,000 यूनिट्स में निकल गया। अगर आप अमाउंट चाहें तो अमाउंट में निकाल सकते हैं, कैसे आप 10,000 यूनिट बेच रहे हैं बट सेल्स कितना करके है 10 करके, तो सिंपली इनटू कर देंगे तो अमाउंट में आ जाएगा। दूसरा क्या बोला है बोलिए, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ सेल्स। जब बीईपी कितना यूनिट हो गया, वैसे हमारा अभी कितना निकला 10,000, बोलता है 8,000 यूनिट हो जाएगा तो बोल रहा है कि सेल्स कितना होगा। अभी 10,000 यूनिट है तो सेल्स आपका कितना है 10 पर यूनिट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,00,000 आएगा ना। बोलता है जब अगर ब्रेक इवन पॉइंट 8,000 यूनिट होगा तो कितना होगा, क्या करना पड़ेगा पहले आप बोलिए। आप उसको भी यूज कर सकते हैं जो 4 नीचे में लिखे थे, बीईपी इंटू सेल्स प्राइस प्लस भी प्लस एफ, इससे भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से निकाल सकते हैं। निकालिए बी नंबर, लिखिए व्हेन बीईपी
is 8,000 units, then contribution क्या होगा? पहले क्या निकालना पड़ेगा? Contribution change हो जाएगा ना? BP F divided by C. BP आपको दिया हुआ है कितना? 8,000 यूनिट. या इससे आप कर सकते हैं कि नहीं, C को यहां ले आइए, BP को यहां ले आइए. तो आप क्या कर सकते हैं बोलिए? 8,000 फिक्स कितना दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, इसलिए C इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, कितना जाएगा? 6.25. देखिए, जब मेरा सेल्स का वैल्यू था 10 रुपीस और वेरिएबल जब 5 रुपीस था तो कंट्रीब्यूशन 5 रुपया आया था. कितना आया था? 5 रुपया. तो बीपी हमारे निकाल दिए 10,000. अब यहां एक कंडीशन दिया है कि अगर 8,000 यूनिट बीपी होगा तो मेरा सेल्स का प्राइस क्या होगा, कितना करके बेचेंगे? अरे 10,000 यूनिट है तो ठीक है, हम 10 रुपया करके बेच रहे हैं, लेकिन अब बीपी आपको दे दिया कितना? 8,000. तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपी पहले हम लोग निकालें, जो फार्मूला है उसमें निकाल दिए. बीपी अगर हमको दे दिया है, एफ तो दिया हुआ है, फिक्स तो फिक्स रहता है, चाहे आपको घटे या बढ़े, बट हमारा कंट्रीब्यूशन निकल गया. अब सेल्स निकल जाएगा आराम से. सेल्स इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला है आपको, भी प्लस, इसीलिए सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन आपको निकल ही गया है, वेरिएबल एक्सपेंस के साथ कंट्रीब्यूशन को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा. वेरिएबल कितना करके दिया हुआ है बोलिए? 5. एंड कंट्रीब्यूशन में आप जानते हैं फिक्स्ड भी रहता है, प्रॉफिट भी रहता है. समझेंगे सेलिंग प्राइस कैसे निकला, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है. सेलिंग प्राइस में रहता है फिक्स्ड, वेरिएबल और प्रॉफिट, तीनों रहता है ना. देखिए कोई भी सामान को हम लोग कैसे बेचते हैं, फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल रहता है, उसके साथ क्या करते हैं, प्रॉफिट को भी जोड़ देते हैं. तीनों को जोड़ने से जो आता है सेलिंग प्राइस होता है. तो वेरिएबल हम लिख दिए. और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट. तो वेरिएबल हमारा 5 दिया ही था, घरी करेगा तो 5 हो गया. और कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना निकाले? 6.25. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट. तो सेलिंग प्राइस में तो तीनों आता है ना. सेलिंग में क्या क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल रहता है और प्रॉफिट रहता है. तो सारे कुछ तो आ गए. तो सेलिंग प्राइस अभी कितना हो जाएगा? यानी अगर बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट उसी को बोला जाता है जहां पर उतना आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं. अगर हमेशा ध्यान रखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है आप कहां तक प्रोडक्शन करेंगे, वो ब्रेक इवन हुआ. उसके बाद अगर आप करते हैं तो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, वो ब्रेक है, ब्रेक इवन पॉइंट. अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर कम कर देगा तो नो डाउट सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए. सेलिंग प्राइस चेंज कर दिए. फिर एक बोला है, बोलिए क्या बोला है, इसको मिटा दें. सी नंबर निकालिए. सी बोलता है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट. फिर से ब्रेक इवन पॉइंट आपको मांग रहा है. सेल्स पर यूनिट कितना करके रिड्यूस हो जाएगा? 10%. लिखिए व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%. अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 10 पर यूनिट. अगर 10% से रिड्यूस करेगा देन क्या हो जाएगा? 10-1, 9. अब आप ये सोचो कि सेल्स 10 रुपया नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 रुपीस. तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा ना. तो चलिए कंट्रीब्यूशन फिर क्या होगा बोलिए? एस माइनस बी. तो सेल्स कितना हुआ? 9 पर यूनिट में दिया हुआ है. जैसा कंडीशन दिया था उस कंडीशन में हम लोग लिख दिए. अब क्या मांग रहा है आपसे? फॉर्मूला क्या होगा?
फिक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कितना दिया हुआ है 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 4, कितना हो जाएगा 12,500 यूनिट्स। अभी अगर हम बोलेंगे अमाउंट में करो, ये तो यूनिट में आया, ये क्या चीज में आया यूनिट में, और अगर हम आपको बोलेंगे कि अमाउंट में बताओ तो अमाउंट में भी बता सकते हैं। 12,500 को इस बार कितना करके बेच रहे हैं, इसीलिए अगर हम चाहें तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में भी बता सकते हैं। सेल्स में निकालने के लिए जितना यूनिट आपका निकल गया इनटू 9 पर यूनिट है तो देखिए कितना आएगा 1,12,500। कॉपी हो गया? देखो हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्मूला को बहुत बढ़िया से घर पे देखिएगा। सबसे पहला जो सम्स हम लोगों ने आपको करवाया उसमें फिक्स कैसे निकलता है, वेरिएबल कैसे निकलता है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि बिना फिक्स्ड और वेरिएबल का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हर जगह देख रहे हैं वेरिएबल आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है, सेल्स आ रहा है। सेकंड जो सम्स था ब्रेक इवन पॉइंट का, उसमें मैंने आपको 3 सम्स करवाया और वो 3 सम्स में ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकालने के लिए देखा। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूशन जरूरी था, इसलिए वेरियस टाइप से आपने कंट्रीब्यूशन को निकाला, और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल लिए। हमेशा याद रखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में निकलता है और सेल्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप इंटू कर देना। थर्ड जो कि यहां पर दिख रहा है अभी, इसमें भी बीईपी बोला था निकालने के लिए, बट बीईपी के बाद भी कंडीशन देते हैं, इस तरह से कंडीशन देगा, आप एक एक करके कंडीशन को अप्लाई करके बना लेना। कुछ खास नहीं होगा, कभी सेल्स को बढ़ा देगा, कभी वेरिएबल को बढ़ाएगा, कभी फिक्स को बढ़ाएगा, और कुछ कंडीशन नहीं होते हैं। यहां तक आया समझ में? बट एक मिनट और आप घर पे रिवीजन कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा।